फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी फैक्ट्स। आज हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में, और यहाँ पे हम सारे बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में पता करेंगे, और लास्ट में जब हम कंक्लूजन पार्ट देखेंगे कि आखिर ये दोनों को क्यों नहीं करना चाहिए, इनके फ्यूचर रिलेशन किस तरीके से हैम्पर होते हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना जो है एशिया की मोस्ट 21st सेंचुरीज कंट्रीज़ हैं, ठीक है, आप सभी जानते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कि आखिर दोनों इस समय सबसे ज़्यादा न्यूज़ पे क्यों हैं। देखिए, रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही क्या हुआ है, इंडिया और चाइना के बीच ये जो हमारी जो गालवान वैली है, ये वाला रीजन इधर पे, ठीक है, दिस इज़ द गालवान वैली, वेरी नियर नियर टू द दिस इज़ पार्ट ऑफ द अक्षय चीन। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये हमारे इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रिसेंटली चाइनीज़ ट्रूप्स थी वो हमारे इस पोर्शन के अंदर आ गई थी, और जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण ये जो चाइनीज़ ट्रूप्स थी, जिसके कारण क्या हो गया, जो मतलब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया, और कन्फ्लिक्ट होने से क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा भिड़ंत हो गई, जिसका इतना अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि LAC के ऊपर इतना भी होगा, बट इट हैज़ हैपेंड, ठीक है। और क्या हुआ, हमारे यहाँ के 20 सोल्जर जवान शहीद हो गए, और वहाँ के 43 सोल्जर वहाँ के शहीद हो चुके हैं, ठीक है, ये एक काफ़ी दुखद घटना है। आगे ये तो हमारा सबसे पहले बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आखिर ये डिस्प्यूट हुआ क्या, सबसे पहला कारण ये है क्योंकि इंडिया रिसेंटली मानसरोवर तक की यात्रा के लिए तिब्बत में एक रोड बनाना चाहता है, ठीक है। उसके लिए वो क्या करना चाहता था, जो हमारा ये पैंगतोन तसो, आपको ये लेक दिख रही है ना, ये वाली, यहाँ पे क्या करना चाहता था इंडिया, यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन करना चाहता था, बट हुआ क्या, चाइनीज़ ट्रूप्स आके सामने, उसने चाइना ने अपनी खड़ी कर दिया, और उन्होंने बोला नहीं, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा एरिया है। डायरेक्टली उसने पूरे गालवान वैली को, ठीक है, पूरे अक्षाई चिन के साथ ये जो गालवान वैली वाला पोर्शन है ना, इसको भी उसने अपना ही एरिया, ठीक है, ओन एरिया, पूरा ओन एरिया अपने पे ही कन्फ्लिक्ट उसने बताया है, ठीक है। हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को कि आखिर ये क्यों हो रहा है, तो ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आगे अगर आप समझोगे, आगे देखते हैं, ठीक है। पेंगतो से जो ये डैम चेक है, और कुछ पार्ट तो आपने देखा होगा जो उत्तराखंड वाला है, यहाँ पे भी डिस्प्यूट छिड़ा हुआ है। फिर नाकुला, इसको तो आप जानते हैं, ठीक है, ये जो हमारा डोकलाम वाला इशू है, ये उसका पोर्शन है, उसके पार्ट को ये काफ़ी हद तक ख़राब कर रहा है, ठीक है, एक ये हो गया। फिर अरुणाचल प्रदेश, तो 3 मोर ये जो यहाँ तक के डिस्प्यूट हैं। अगर आप देखो तो इंडिया के साथ चाइना का बहुत लंबा बॉर्डर टच करता है, जिसको अप्रॉक्सीमेट 3488 किलोमीटर बॉर्डर लाइन है, ठीक है। ये LAC है, और इसको मैकमोहन बोलता है, जब बोला जाता है, और यहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना क्लेम करता है कि ये उसका पार्ट है, ना कि इंडिया का पार्ट है, तो ऐसा भी चाइना करता है, तो हमको थोड़ा सा चाइना से बच के रहना पड़ेगा, ठीक है, और इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई, लाइन ऑफ कंट्रोल जो हम शेयर करते हैं वो 742 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो कितना ज़्यादा डिस्प्यूट यहाँ पे बना हुआ है कि जो हम लाइन ऑफ कंट्रोल शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, वो 742 है, और इंडिया के साथ 3000, जो 3488 है, ये हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, तो ये काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया है। अगर आगे चल के हम इसको देखते हैं, 1 मिनट, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा स्लाइड में डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम है। ओके, हम देखिए, हमने जो अक्षय चिन्ह वाला पूरा देख लिया, गालवान वैली पर डिस्प्यूट किया था, क्योंकि जो इंडिया होती है, इंडिया ने क्या किया है, बॉर्डर पे अपना कंस्ट्रक्शन शुरू किया है मानसरोवर तक के जाने के लिए, लेकिन वो चाइना को पसंद नहीं है, इसलिए वहाँ पे वो इशू चल रहा है। फिर जो हमारा नेक्स्ट इशू है, ये क्या है, ये इस जो हमारे चुंबे वैली आप देख रहे हो, ठीक है, ये डोकलाम इशू वाला 2017 में स्टार्ट हुआ था, ये हमारा सेकेंड मोस्ट बिगेस्ट इशू है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ तो इतना लंबा वॉर हो गया था कि लग रहा था कि ये जो चाइना और इंडिया के बीच में अगेन 1962 के बाद एक बार फिर से वॉर छिड़ सकती है, बट फाइनली ऐसा नहीं हुआ। और क्या हो गया, थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन हो गया, आखिर
आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये डिस्प्यूट यहाँ पे हुआ क्यों, ठीक है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो चाइना है वो कंस्ट्रक्शन वर्क अपना, इधर पे सिक्किम वाला देख रहे हो, ये चिकन कॉरिडोर है, ठीक है, यहाँ पे वो अपना स्टार्ट करने वाला था। अगर क्या होता कि अगर चाइना यहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट कर देता तो प्रॉब्लम ये हो जाती कि यहाँ से कल को अगर कोई वॉर होती है तो चाइना क्या कर सकता है, यहाँ पे अपनी सारी ट्रूप्स इस लाइन पे से जमा के, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है यहाँ से, ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे हम अपना 124 किलोमीटर का बॉर्डर इतना टच कराते हैं किससे, अपना ये वाले पोर्शन से। अगर कल को यहाँ से कोई भी कनेक्शन टूट जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, हम अपना पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया खो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया, इंडिया ने अपने ट्रूप्स को ये जो ट्राई जंक्शन है, ट्राई जंक्शन का मतलब क्या होता है कि तीन कंट्री जहाँ पे इंडिया, चाइना एंड भूटान, ठीक है, तो भूटान की हेल्प के लिए यहाँ पे इंडिया गया था और उसने यहाँ पे उसको मना कर दिया, जिससे काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, ठीक है। तो ये मेन डिस्प्यूट था आगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट थे, ये देखिए ये चुम्बे वैली जो हमने यहाँ पे देखी थी, ये वो था, ये डोकलांग रीजन यहाँ पे जहाँ पे मेन डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था, ये उसका कारण था, ठीक है। सिक्किम, चाइना, भूटान, ट्राई जंक्शन, ये देख रहे हैं आप, ये दिस इज़ अ ट्राई जंक्शन, इधर पे, ये इधर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया था। थोड़ा सा हम डिटेल में एक चीज़ और समझ लेते हैं कि आखिर इनके रीजंस मेनली क्या आते हैं, ठीक है। जो हमने देखा ना, ये देखिए थोड़ा सा और मैं एक थोड़ा सा फोकस करूँगा, ये जो आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, सॉरी, ये देख रहे हैं, ये रहा, ये हमारा लद्दाख वाला एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दौलत बेगी है, ठीक है। व्हाट हैपेंड, ठीक है, ये देखिए, सॉरी, ये दौलत बेगी ओल्डी एरिया है, यहाँ पे ही इंडिया और चाइना के बीच में अभी रिसेंटली विवाद हुआ, जहाँ पे इसके थोड़ा सा नीचे गालवान वैली है, वहाँ पे दोनों के बीच झड़प हो गई और हमारे 20 सोल्जर्स यहाँ पे अपनी लाइफ को खो दिया, ठीक है। ये कारण हो गया, ये मेन डिसप्यूटेड एरियाज हो गए, ठीक है, जहाँ पे हमको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और सबसे पहले इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ों को यहाँ से निगलेक्ट करके अलग करना है, ठीक है। ये कुछ रीजंस हो गए। अब हम थोड़ा सा लास्ट में देखिए, सारे इश्यूज तो हमने पता कर लिए कि आखिर ये इशू हुए क्यों थे, ठीक है, हमने सारे इश्यूज तो यहाँ पे क्लियर कर लिए कि जो इधर वाला इशू है हमारा LAC के ऊपर, वो इंडिया क्योंकि कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो यहाँ पे अभी अभी हुआ है, हालांकि चाइना हमेशा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता तब हम उसको मना नहीं करते, बट अब जब इंडिया ने कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया तो चाइना को डर लग रहा है, जैसे हमने 370 और 35A को यहाँ पे जम्मू कश्मीर से ख़त्म किया था और इस पूरे एरिया को अपना बना लिया, और यहाँ तक कि POK पर भी हमारा ही अधिकार है और एक्साइजन के ऊपर भी, लेकिन जस्ट ड्यू टू पाकिस्तान थोड़ा सा कमज़ोर है तो मे बी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इन फ्यूचर हम इस पूरे एरिया को अपने एनेक्स्ट कर लें, ठीक है। अक्षाई चेन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट ड्यू टू इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है, हम फ्यूचर में इसको भी अपना एनेक्स कर सकते हैं, ठीक है, क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया आज भी क्लेम करता है, इंडिया के रियल मैप में इस पूरे एरिया को शो किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा हमारा ही एरिया है। एक ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट डिस्प्यूट तो ये था, और ये रिसेंटली अभी अभी LAC के ऊपर हमको देखने को मिला है, 1962 के बाद से आज तक कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं हुई जहाँ पे हमने ये देखा है कि वहाँ पे किसी व्यक्ति की जान गई हो, ठीक है, अभी तक वहाँ पे कोई फायरिंग नहीं हुई है, और वो भी कौन से एरिया में, गालवान वैली वाले एरिया में, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एरिया है, ठीक है। ये हो गया, अब थोड़े से आप इसके कुछ मेजर्स देख लीजिए, क्योंकि हमने इसके साथ तो काफ़ी ज़्यादा काम किया है, बट क्या होता है चाइना कभी ना किसी की बात सुनता नहीं है। देखिए कुछ एग्रीमेंट्स किए थे, 1940 में शिमला कन्वेंशन एग्रीमेंट हुआ था जो मैकमोहन लाइन के लिए था, ठीक है। 1993 में क्या किया था, 1993 में भाई हमने एग्रीमेंट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये साइन की थी, ठीक है। 1996 में एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ऑन द जो मिलिट्री फील्ड ये साइन किया था, ताकि हम अपनी मिलिट्री के अंदर काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें और मिलिट्री फील्ड को
फुल कॉन्फिडेंस दे सकें कि वो सारे मेजर्स को ले सकती हैं ऑन द LAC एंड LOC दोनों जगह पे। ठीक है, 2005 में एग्रीमेंट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री क्वेश्चन, ठीक है, बाउंड्री के जो क्वेश्चंस होते हैं सेटलमेंट करने के लिए उनके ऊपर भी हमने बात की थी। लेकिन आपको पता है चाइना इन सब में से कुछ भी बातों को एक्सेप्ट नहीं करता। वो स्टार्टिंग शुरू शुरू में तो बहुत सारी बात करता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता। फिर एग्रीमेंट ऑन वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंस्ट्रक्शन कंसल्टेशन एंड द कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन की बात तो हम कर रहे हैं लेकिन चाइना इसको भी मना कर देता है। ठीक है, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन, ये जो हमने इधर पे कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था, ये इसको भी सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये हमारा ये जो पंचशील वाला है ना, पंचशील ट्रीटी, ये जो इसको इसको हमने साइन किया था 1954 में, लेकिन चाइना इसको भी क्लेम करने से मना कर देता है। वो बोलता है नहीं, ठीक है, हालांकि हाँ तो बोलता है बट ऑन द ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करता कभी नहीं। नहीं तो ये सारे इतने सारे जो विवाद हो रहे हैं ना, ये कुछ भी कभी नहीं होते, सॉरी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ चल रही हैं, इनको हमको फर्स्ट ऑफ ऑल अलग करना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ओवरऑल सजेशन देता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि हमको डीमार्केशन, ठीक है, आप सभी को पता है ना डीमार्केशन क्या होता है। डीमार्केशन का मतलब क्या होता है कि हमको लाइन का डीमार्केशन कर देना है कि आपकी लाइन है, ये हमारी लाइन है, ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ भी ना हो सके। ठीक है, दूसरा जस्ट लाइक कि जैसी हमने, सॉरी यार मेरे पास पेन नहीं है इसलिए प्रॉब्लम जा रही है, जो हमने इनफॉर्मल समिट्स की थी जैसे ममलापुरम में और जो वुहान में 2018 में हुई, 2019 में ममलापुरम में हुई है, तो इस तरीके की समिट्स लाना, क्योंकि एट द एंड में क्या होगा, एंड में यही होगा कि आपको डायरेक्टली पीस के ऊपर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एंड में आपको पीस और ट्रैंक्विलिटी के ऊपर ही बात करना पड़ता है, चाहे वॉर हो अथवा ना हो। ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान देना है। तो ये तीन सजेशन है जो मेरी तरफ से हैं, ठीक है, कि आपको इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और कुछ जो इम्पोर्टेंट सजेशंस हैं उनको भी आप दे सकते हो। इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट आप देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 56% जो है ना वो चाइना के इंडिया के साइड से ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का। ठीक है, 56% से प्लस ओवर ही है। ठीक है, हमको ये समझना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हमको अपने यहाँ के जो भी प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द चाइनाज़ प्रोजेक्ट। ठीक है, चाइना के प्रोडक्ट से ज़्यादा तो इसके ऊपर भी फोकस देने की ज़रूरत है। ठीक है, और इंडिया और चाइना को कोलैबोरेशन, ठीक है, कोलैबोरेशन साथ में काम करना पड़ेगा, कोऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कोऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि दोनों दोनों मिलके क्या कर सकें, एशिया में काफ़ी अच्छा अपना योगदान दे सके फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट, और देखिए अच्छी खासी प्रेजेंस भी बना सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे भी दोनों बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत प्यारे सजेशन होंगे, अगर दोनों इसके ऊपर काम करते हैं तो क्या होगा, होगा ये कि दोनों फ्यूचर फ्यूचर में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे और एशिया के लिए बहुत ही अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर बन पाएंगे। ठीक है, तो आज हमने सारा बॉर्डर डिस्प्यूट और सारी चीज़ें इसके बारे में देखी कि किस तरीके से दोनों कंट्री के बीच में जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो चल रही हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर दिस, ओके, थैंक यू।